1.5-2 लाख इकट्ठे कर लेगी और क्या गुच्छा ला रखा और मोटा दे गयो मस्त प्लान है ये देखिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, आई एम सागर एंड यू आर करंटली वाचिंग सागर ग्लाब ब्लॉग। सो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी तक आप देख रहे थे नैनीताल ब्लॉग सीरीज। शुभम भाभी और बच्चे गए थे नैनीताल घूमने के लिए, एक छोटी सी ट्रिप पे, 2-3 दिन की ट्रिप थी, तो वो आप लोगों ने अभी तक देखी होगी एंड आई होप कि आप लोगों ने काफी एंजॉय किया होगा। हाँ जी बिल्कुल, तो मैंने शुभम से बोल दिया था पहले जो भी हो ट्रिप में सब कुछ शूट करना यार, मतलब सही रहता है। शुभम मना कर रहा था कि यार कैसे होगा, मुझसे बोलने में दिक्कत होती है काफ़ी ये और वो। मैंने कहा कोशिश करना, क्योंकि कई बार जो है हौसले कामयाब नहीं होते लेकिन कोशिश से कामयाब हो जाती है। तो शुभम ने सब कुछ शूट किया और काफ़ी अच्छा मतलब यार ब्लॉग बना के लेके आया शुभम वहाँ से। पहले 1-2 ब्लॉग में मतलब पहले दिन शायद थोड़ी दिक्कत थी, वॉइस की कम बोल रहा था शुभम, तो मैंने बोल दिया था कि वॉइस ओवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शूट करना। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, काफी अच्छे से हमने मैनेज कर लिया सब कुछ। थोड़ा बहुत मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा था पहले ब्लॉग में, तो मुझे लगा कि यार ये ठीक नहीं है, तो फिर मैंने अगले दिन से शुभम से ही वॉइस ओवर कराया। और जो वॉइस ओवर कराया ना शुभम से, वो भी बहुत थोड़ा बहुत था, बहुत माइन्यूट सा कहीं कहीं पे, तो मतलब ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। तो शुभम ने काफी अच्छे से सब कुछ हैंडल किया, काफी अच्छे से शुभम ब्लॉग बना के लेके आया और आप लोगों का काफी प्यार भी मिला उन ब्लॉग्स पे। मतलब इतने सारे कमेंट्स आए, इतने सारे लाइक्स आए और व्यूज। मतलब जो लास्ट सेकंड ब्लॉग था, मतलब परसों वाला जब लैंडस्लाइड वाला जो ब्लॉग था, उस पर 1.1 के व्यूज भी है भाई। मतलब सच में मजा आ गया। थैंक यू सो मच गाइस आप लोगों के इतने प्यार के लिए। और आई विल अप्रिशिएट शुभम की यार, इतने अच्छे से उसने कवर कर लिया सब कुछ, अकेले हैंडल किया। दोनों बच्चे थे साथ में, सूर्या गुड़िया, और सब कुछ हैंडल करना मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाता है, टफ पड़ता है। तो पूरी फैमिली थी साथ में, तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल तो हो ही जाता है। तो मैं मतलब एक तरह से भुचक्का हूँ, शुभम ने सब कुछ कर लिया अच्छे से, तो काफी अच्छी बात है। तो मतलब इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़ेगी तो शुभम भी आराम से ब्लॉग कर सकता है। तो सही रहा सब कुछ, मजा आ गया। एंड बीच में जो है मोजा का फर्स्ट बर्थडे आ गया था, फिर तो मैंने उसका ब्लॉग शूट किया और मैंने फिर अगले दिन ही अपलोड कर दिया था। नैनीताल ट्रिप जो है बीच में पोस्ट कर दी थी कि मैंने सोचा कि गुड़िया का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन ब्लॉग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डिले नहीं होना चाहिए, तो फिर मैंने वो डाल दिया था। और उससे पहले दिन मैं गुड़िया के लिए गिफ्ट भी लेने गया था, तो मैंने सोचा उसका ब्लॉग शूट करता हूँ, लेकिन मैं कुछ ज्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। तो उस चक्कर में फिर मैंने वो ब्लॉग डाला नहीं। मैंने सोचा कि बाद में अनबॉक्सिंग करेंगे तो जब दिखा देंगे क्या गिफ्ट लाए थे सब। तो अब पता नहीं सोरे ने सारे खोल के फेंक दिए, दोबारा उन्हें पैक करना पड़ेगा, फिर दोबारा से मुझे उनका ब्लॉग बनाना पड़ेगा अनबॉक्सिंग का। तो ये कुछ सीन है, पता नहीं बना भी पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा। तो आप लोग नीचे कमेंट्स में बताना कि बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। तो ये तो होगी ब्लॉग की बात। और आज है भाई रक्षाबंधन का त्यौहार, भाई बहन का त्यौहार, लेकिन मतलब कुछ लोग कल भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज 11 तारीख है, कुछ 12 को भी कर रहे हैं और कुछ मुहूर्त का भी ऊपर नीचे चल रहा है। तो आज भी कुछ मतलब टाइमिंग के हिसाब से पूजा वगैरह होगी रक्षाबंधन की, तो अभी पूजा करेंगे। खुशी एंड वंश भी आ गए हैं, सब यहीं बैठे हैं, सब रेडी हो चुके हैं। भाभी अपने घर जाने के लिए रेडी होगी, मम्मी अपने घर जाने के लिए रेडी हो गई, सूर्या कहाँ जाने के लिए रेडी हुआ है। कहाँ जाएगा तू? मैं नहीं बताऊंगा। तो भाई शुभम भी आ गया, अभी पूजा करते हैं। सूर्या मिस्टर पापा आ गए, चलो। ये तो सो के उठी है, अभी कंफ्यूज है मैं कहाँ आ गई, किस गोले पे आ गई मैं, है ना मोचे? आओ, नहीं आना। अब तो बुई के पास चली गई ना, अब क्यों आएगी? और इसे देखो सूर्या को अपने गोले से खेल रहा है। क्या बोलते हैं सुबह से? फ्लाइंग बॉल। फ्लाइंग बॉल सही है यार, ये हेलीकॉप्टर ज्यादा अच्छी बॉल है। नीचे हाथ लगाओ उड़ती रहती है और टूटती भी नहीं थी जल्दी जल्दी, हेलीकॉप्टर टूटते हैं। सूर्या मजे ले रहा है पूरे इससे, ए देखो चल दी ऊपर। और लाइट भी जलती है, बड़ी प्यारी लगती है शाम के टाइम तो ये। मोचे नई नई ड्रेस पहन ली, रेडी हो गई। नहला दिया इसको है भाभी? हाँ। नहला दिया था? अच्छा लगता तो नहीं मुझे नहलाया हो। झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। झूठ बोल रही है, पकड़ी गई। अच्छा इसके नानी के नहला दूंगी। चलो ठीक है। मुझे तो अभी करते हैं भाई पूजा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सबसे बाहर चल पहले गेट पे, रसोई के बाद गेट पे जाना पड़ा है। अभी रक्षाबंधन की पूजा तो हो गई है, तो इसमें बेसिकली सोम की पूजा होती है, जो जय सिया राम के और जय श्री कृष्णा के ये यहाँ पे ऐसे स्टिकर होते हैं ना, इनकी पूजा करते हैं और हर दरवाजों पे घर के चिपकाते हैं और फिर उनके ऊपर जो है टीका करते हैं, गंगा जल का छिड़काव करते हैं और जो घर पे दूध और जमो की खीर बनती है उसका भोग लगाते हैं। तो ऐसा कुछ होता है। तो अभी शुभम लगा रहा है पूरे घर पे, मैक जो है शुभम के साथ साथ घूम रहा है, शुभम के साथ अच्छे से पूजा करवा रहा है। ये देखो चल दिया ऊपर ही पीछे पीछे चल सही है, जा चला जा घूम के आ जाओ ऊपर, बहुत दिनों के तुझे ऊपर गए हुए भी। जय श्री सूर्यदेव, जय माँ तुलसा माता। सूर्य परेशान हो गया राखी देखते ही, एकदम कूद पड़ा, मऊ मऊ मऊ। अपनी सिलेक्ट कर ली तो ना, मऊ 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 है वे। मैंने चाचू सिलेक्ट नहीं किया, वो मेरी है। अच्छा दिखाइयो कौन सी राखी है तेरी। अरे वाह, टॉम एंड जेरी की है भाई। तो अभी रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, खुशी से राखी बनवाते हैं। खुशी रेडी हो गई है थाली लेके रक्षाबंधन की। न्यू सैंडल पहन लिया आज तो बुढ़ी ने। अरे वाह, मैंने तो अभी ध्यान दिया, बुढ़ी के नए सैंडल। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। टॉम एंड जेरी, वाह शौर्य की फेवरेट टॉम एंड जेरी वाली जो है राखी बन चुकी है यहाँ पर। पोची बताओ, हाँ पहले पोची कहते थे सब। हाँ हल्का सा खा ले। ये कैसी राखी है? ये अच्छी है। अच्छा ये लेडीज वाली होंगी राखी, स्पेशल राखी है। अच्छी लग रही है। सॉरी गुड़िया की पहली राखी है, बदतमीजी नहीं करनी। सेकंड, अरे हाँ सेकंड, मैं तो भूल ही गया। इस बार बनवा ले अच्छे से, इस बार ये बांध देगी, फिर नहीं बांधेगी तुझे, चाटे मारेगी बहुत तेज तेज अगले साल से। तो अब तो बांध रही है आराम से। ये नहीं मानने का, ये बनवाने का ही ना। पूरे घर में आवाज मचा देगा ये। मैक भी राखी बंधवाएगा, कुछ नहीं कहने का। डाल दे डरे ना, कुछ ना कहने का। ओए मैक क्या है बदतमीजी, बस बस हो गई। ओए मैक क्या कर रहा, दिखा। चलो अभी करते हैं सबका फोटो सेशन। मैक कहाँ रह गया? मैक भी है, चलो इसे निकाल दो यहाँ से, इस सब हमेशा बाहर निकाल दो इसे। हट, गजब बेइज्जती है। चाचू के पास जाएगी। पहचान नहीं रही क्या तू? चलो ठीक है, बाय। चलो बाय। अभी मुझे करना है बहुत सारे काम। पहले तो भाभी को भाभी के घर छोड़ के आना है, फिर उसके बाद मम्मी को मम्मी के घर पे। और मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, मतलब पूजा का वेट कर रहे थे कि कब पूजा होगी, उसके बाद ही ब्रेकफास्ट होना था। अभी फिलहाल 12:30 हो चुके हैं, तो मतलब भूखा हूँ मैं, सुबह से भूख लग रही है काफ़ी तेज़। तो भी पहले भाभी को छोड़ के आऊँगा, फिर मम्मी को, फिर देखते हैं ब्रेकफास्ट कहाँ मिलेगा मुझे करने को आज। चले शौर्या तेरे मामू के घर, मामू जान के घर चले हैं वे। मामू जान, अरे मामू जान कहाँ है तेरे? चले चले बंदे। सॉरी कीज अभी आ तो गए थे भाभी के घर पे, सुजल बैठा है उधर। और मौसी जी अभी फिलहाल सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही है, तो सबके लिए समोसे लगा रही है। मौसी जी अपने हाथों से चटनी वगैरह डाल के दे रही है। तू भी खाएगा है बे? तू मत खाइयो समोसा, तेरे लिए नहीं है। नहीं मौसी जी से मत दो, नहीं मुझे दे दो। ना मैं देता ना, रोने का मुंह बन गया। चल ले खा ले, मजाक कर रहा मैं तो। ले खा लेगा तू अकेला, भाभी आ जाओ। मम्मी चले? हाँ चले। चलो कर लो रेडी। मम्मा 5 मिनट रह गए मुहूर्त होने में। फिक्के मतलब जमे बना लेते, जैसा अम्मा कढ़ी के साथ बना लेती। मेरे हाथ पे भी 3 राखी है, एक तो खुशी की और बाकी जो है 2 बुआ की है। तो वो जब गुड़िया के बर्थडे पे आए थे तभी बांध के चले गए थे। तो अभी आए हैं हम बड़े मामा की तरफ और मिसेस ज्योति भी आई हुई है। तो अभी ज्योति भी राखी बांधेगी और मिस्टर पारस जो है मम्मी से राखी बंधवाएंगे। चलो जब कुछ 6 साल लिखा इतना मोटा राखी होगा, मुझे लग रहा है आज तो 1.5-2 लाख इकट्ठे कर लेगी। गुच्छा ला रखा और मोटा दे गया, दुकान खरीद ली। मस्त प्लान है कितनी राखी ला रखी है भाई। पूरे मोहल्ले के पैसे कमाने की तरकीब है, देख लो भाई। पूरे मोहल्ले के बांधने जाएगी भाई। ये तो ये अलग है, देख लो भाई दुकान है इसके पास तो पूरी। बहुत सही, सही करा। तो 1.5-2 लाख तो जोते के काम से बात होगी, बिल्कुल पैसा ही पैसा होगा। क्या कि तगे जो होने 3 रंग के होने चाहिए, लाल पीला सफेद। हाँ। तगे जो राखी बंधो बच्चों के ऐसे बंधो, लाल पीला सफेद। हाँ, 30 तारीख में वो करेंगे ना स्थापना। अच्छा 30 तारीख। फिलहाल मैं तो घर आ गया था, मम्मी थोड़ी बहुत देर रुक के और आएगी मामा के यहाँ पे। जस्ट अभी फेस वॉश करके आया हूँ भाई, मतलब बाहर इतनी ज़्यादा आंधी चल रही थी ना, तो चेहरे पे इतनी धूल चिपक गई थी। तो फेस वॉश किया, आते ही अब जाके थोड़ा अच्छा लग रहा है। एंड मैं क्या सोच रहा हूँ, ये व्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं। तो ये था आज का व्लॉग, रक्षाबंधन का त्यौहार हम भाई बहनों का, जो कि हमने काफ़ी प्यार से और मज़े से मनाया। तो ये व्लॉग कर देते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आप लोगों को भी ये व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा देख कर। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा आप लोग पास का व्लॉग। तो आप लोगों से मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय बाय। पैसे तो लेना है, हंसने वाली क्या बात है इसमें। चले भाई बहन तेरे पैसे, और भी कोई मिला मतलब रास्ते में तो ले लियो। सही बात है, ब्लॉग तो बनना चाह।